नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त रानू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों आज 29 मार्च 2022 डेट है। आज नए दो अपडेट्स निकलकर सामने आए हैं। यहां पर पहला अपडेट तो रहने वाला है एक्सीलेंस स्कूल में जितने भी बच्चों ने यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट के लिए एग्जाम फॉर्म डाला था तो उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। दूसरा यहाँ पर अपडेट रहने वाला है फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके कॉलेज के छात्रों के लिए। यहाँ पर किसी भी अगर सब्जेक्ट में आपने MA, MSc, MCom, BA, BSc, BCom, BEd कोई भी या फिर DEd वगैरह डिप्लोमा मध्य प्रदेश में रहकर कर रहे हो तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर के स्कॉलरशिप के फॉर्म पूर्णतः डालना स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर पहले अपडेट के बारे में पहले तो बात किए लेते हैं, एक्सीलेंस फॉर्म के एडमिट कार्ड किस तरीके से आपको निकालने हैं। अगर आपने 9th क्लास में एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए आवेदन किया था तो यहाँ पर सिंपली मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। अगर आप डायरेक्ट गूगल पर जाकर निकालना चाहते हो एडमिट कार्ड तो जिसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली अपना गूगल ओपन कर लेना। गूगल पर यहाँ पर MPSOS MP Online लिखकर यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करोगे तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से फर्स्ट लिंक आ जाएगी जिस पर आपको क्लिक कर देना है। MPSOS MP Online लिखकर यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करोगे तो फर्स्ट लिंक आ जाएगी जिस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप मोबाइल से एडमिट कार्ड निकालना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, उस पर जाकर क्लिक कीजिएगा क्योंकि यहां पर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर कंप्यूटर पर निकाल रहे तो इस प्रोसेस को आजमा सकते हो। यहां पर कुछ इस तरीके से आपको डिटेल देखने को मिलेगी। यहां पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो देखिए जिला स्तरीय विद्यालयों एवं विकास खंड स्थित मॉडल स्कूल में कक्षा 9वीं प्रवेश हेतु संयुक्त चयन परीक्षा। तो यहां पर देखिए आपको SOS SOE एडमिट कार्ड यहां पर लिखा दिखेगा, सिंपली यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए यहां पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और यहाँ पर कैप्चर डाल देना है और सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड है वो निकलकर सामने आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड निकलकर सामने आने वाला है। यहाँ पर आपको OMR शीट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जिसे अगर आप प्रिंट करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे इसकी जरूरत नहीं होती है। अगर आप चाहो तो मार्केट में भी एक OMR शीट मिल जाएगी जिसको लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो OMR सीट पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रिंट का ऑप्शन आएगा, आपको प्रिंट निकाल लेना है अपने स्टूडेंट का। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर वो है स्कॉलरशिप से रिलेटेड। अगर आप फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हो तो उसकी पूर्णतः लिंक खुल चुकी है जिसके लिए आपको यहाँ पर गूगल पर सर्च कर देना है MP Task। जैसे यहाँ पर MP Task लिखकर सर्च करोगे तो फर्स्ट लिंक आ जाएगी जिस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का, देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली देखिए सबसे पहले तो आपको नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन कर लेना है। यहाँ पर आपको आय, एडमिशन की रसीद और अपनी समग्र आईडी और आधार कार्ड की डिटेल की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप अपने प्रोफाइल क्रिएट कर ले। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको छोटा सा यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन करना हो जिसको KYC भी बोलते हैं, तो KYC कर लेनी है। KYC करने के बाद यहाँ पर जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड आपने बनाया होगा उसको यहाँ पर सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको PMS के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो लिस्ट खुलेगी, यहाँ पर एप्लीकेशन अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको 21 वाइज सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर फ्रेश के बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर फर्स्ट ईयर के ऑप्शन को चयन कर लेना है और कुछ इस तरीके से आपकी डिटेल खुलकर सामने आ जाएगी। दोस्तों अगर आपको याद हो तो इससे पहले ए डिटेल्स नहीं खुल रही थी, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब कि मैपिंग वगैरह का काम चल रहा था तो यहाँ पर इस ऑप्शन तक ये वेबसाइट नहीं ले जा रही थी, लेकिन अब ये ऑप्शन खुलने लगे हैं। यहाँ पर सिंपली आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर विश्वविद्यालय सेलेक्ट करना है, विश्वविद्यालय का नाम वगैरह डाल देना है। यहाँ पर आपको अपनी काउंसलिंग आईडी, जब भी आपने काउंसलिंग फॉर्म भरा हो तो उसका एप्लीकेशन नंबर जो भी हो उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर डाल देना है और गेट एडमिशन डिटेल के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एडमिशन डेट डाल देने हैं और यहाँ पर आपको अपनी आय अपलोड कर देनी है और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका फॉर्म जो रहेगा स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर का वो कम्प्लीटली भर जाएगा। इसके बाद आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है जिसके लिए यहाँ पर PMS के बटन पर दोबारा से आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म होगा वो शो करने लगेगा। यहाँ पर सिंपली आपको अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेना है और अपने कॉलेज में जमा कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर 2022 में जो नए अपडेट निकलकर सामने आए वो आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।